हेलो गाइस, टुडे वी विल गोना एक्सप्लेन बिग आइस। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्गरेट नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करके कैलिफोर्निया से सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रही थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम जेन था, और वो फ्रांचेस्को इसलिए जा रहे थे क्योंकि मार्गरेट को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था। फ्रांचेस्को पहुंचते ही मार्गरेट वहां अपनी फ्रेंड डीएन से मिलती है। डीएन मार्गरेट से पूछती है कि उसकी बेटी कैसी है, जिस पर वो बताती है कि जेन अब स्कूल जाने लगी है, पर अब चूंकि उसका डिवोर्स हो गया है इसलिए उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले ही करना पड़ता है। डीएन डिवोर्स वाली बात पर मार्गरेट से कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़कर ठीक ही किया, क्योंकि उसे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं था, और ये कहकर वो दोनों वहाँ थोड़ा घूमने निकल जाते हैं। अगले दिन मार्गरेट एक फर्नीचर की दुकान पर जाती है जॉब मांगने के लिए। दुकान में पहुंचते ही शॉप का ओनर उसे बताता है कि इससे पहले कोई लेडी यहाँ काम मांगने नहीं आई है, इसलिए उसे अपने हस्बैंड से मंजूरी ले लेनी चाहिए। मार्गरेट शॉप ओनर को अपनी पूरी सिचुएशन बताती है कि उसका डिवोर्स हो गया है और अपनी बेटी के पालन पोषण को करने के लिए वो इस जॉब को करना चाहती है, जहाँ वो उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी। पेंटिंग्स को देखकर ऑनर उसे फर्नीचर पर डिजाइन बनाने की जॉब दे देता है। जॉब मिल जाने के बाद मार्गरेट डे ऑफ के टाइम में अपनी पेंटिंग्स को बेचने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन जब वो पेंटिंग्स बेच रही थी, तभी कुछ कस्टमर्स वहाँ आकर उसे अपने बेटे का स्केच बनाने को कहते हैं, वो भी $1 में, जिस पर मार्गरेट मान जाती है और उसकी तस्वीर बनाने लगती है। अब चूंकि जेन वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से आइसक्रीम खाने चली जाती है। जब मार्गरेट जेन को जाता देख रही थी, तभी वो उसके जस्ट बगल में एक आदमी को कुछ पोर्ट्रेट बेचता देखती है, जो कि कुछ लड़कियों को अपनी पेंटिंग बेचने के लिए मक्खन लगा रहा था। जब मार्गरेट अपना स्केच कंप्लीट कर कस्टमर से $1 लेती है, तभी वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि उसे अपनी आर्ट को इतने सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। इस पर मार्गरेट उसे बताती है कि जब लोगों को उसका स्केच पसंद आता है तो उसे अच्छा लगता है। इससे हमें पता चलता है कि आर्ट ही मार्गरेट का पैशन है। मार्गरेट की बातें सुन वो आदमी उसे बताता है कि ये तस्वीरें उसने अपने तहे दिल से बनाई है, इसलिए वो उसे इन तस्वीरों को बेचने का सही तरीका बताएगा। ये कहकर वो वहाँ से रैंडमली एक लड़की को पिक करता है जो कि जेन ही थी, पर उसे नहीं पता था कि जेन मार्गरेट की ही बेटी है, इसलिए वो उससे कहने लगता है कि क्या वो कुछ ही मिनटों में अपनी तस्वीर बनते देखना चाहती है। इस ऑफर को सुनते ही जेन उसे मना कर देती है, ये कहकर कि ये सारी पेंटिंग उसी की है और उसकी मॉम ने तरह तरह की फैंटेसीज को इमेजिन करके इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई है। जब उस आदमी को पता चलता है कि जेन मार्गरेट की बेटी है, तो वो तुरंत उससे अपोलोजाइज करता है। वो आदमी मार्गरेट से और जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे रात में डेट पर ले जाता है, जहाँ एक रिसेप्शनिस्ट उस आदमी को मिस्टर वॉल्टर नाम से पुकारता है, और इस मूवी में उसका नाम वॉल्टर कीन है, इसलिए अब इस पूरी कहानी में हम उसे कीन नाम से ही बुलाएंगे। उन दोनों के टेबल पर बैठने के बाद कीन मार्गरेट को अपने बारे में बताने लगता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो पेरिस से पेंटिंग सीख कर आया है और पेंटिंग सीखने के लिए ही उसने अपनी जॉब और यहाँ तक की अपनी वाइफ को भी छोड़ा था। कीन के सुनने के बाद मार्गरेट उसे अपने बारे में बताती है, जिसमें वो कहती है कि वो सबसे पहले एक बेटी थी, उसके बाद एक वाइफ बनी और अब वो एक माँ है, और अपनी पूरी जिंदगी को उसने अपनी फैमिली को संभालने में ही निकाल दिया। कीन उसे बताता है कि वो एक गजब की कलाकार है, जबकि उसने खुद सड़क के अलावा आज तक कोई पेंटिंग ही नहीं बनाई। कीन से ऐसी बातें सुन मार्गरेट उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने लगती है, जिस पर कीन उसे कहता है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो वो बुरी तरह उसके प्यार में गिर जाएगा। ये सुनकर मार्गरेट शर्माती हुई अपना हाथ वापस ले लेती है। डेट पूरी होने के बाद दोनों ही अगले दिन एक अच्छे व्यू पर पेंटिंग बनाने जाते हैं, जहाँ पर मार्गरेट फिर से जेन की तस्वीर बना रही थी, जबकि कीन वहाँ खड़ा होकर इस व्यू को मेमोराइज कर रहा था। जब वो मार्गरेट से पूछता है कि वो हर बार अपनी बेटी की तस्वीरों में आंखों को बड़ा क्यों बनाती है, तो इस पर मार्गरेट उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने एक सर्जरी के चलते अपनी आंखों की रोशनी को कुछ समय के लिए खो दिया था, और इसी वजह से वो अपनी आर्ट में आंखों पर ज्यादा ध्यान देती है। कीन जब मार्गरेट से बात ही कर रहा था, तभी वहाँ उसका एक फ्रेंड आ जाता है, जिनकी बातों से मार्गरेट को पता चलता है कि कीन एक रियल्टर है। रियल्टर दरअसल वो लोग होते हैं जिनका काम दूसरों की चीजों को बेचना होता है। मार्गरेट द्वारा सब कुछ जानने के बाद कीन उसे बताता है कि वो सिर्फ संडे के दिन ही अपनी पेंटिंग बनाता है, बाकी दिन वो अपना काम करता है। इतना कहने के बाद मार्गरेट उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वो दोनों काफी करीब आने की वजह से एक दूसरे को किस करते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ जेन आकर खांस कर चली जाती है। इसके कुछ समय बाद मार्गरेट को एक मेल आता है जो उसे उसके एक्स हस्बैंड ने भेजा था। इस मेल के अंदर कोर्ट की मंजूरी से एक फैसला लिखा गया था। उसमें लिखा था कि अगर मार्गरेट जेन का पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसे अपनी बेटी को अच्छी परवरिश के लिए अपने एक्स हस्बैंड को देना पड़ेगा। इस मेल को पढ़कर मार्गरेट के होश उड़ जाते हैं, जबकि ये सब बातें वहीं कीन भी सुन रहा था, इसलिए वो मार्गरेट को इस सब से बचाने के लिए शादी का ऑफर देता है, जिसमें मार्गरेट शुरू में तो उसे हाँ नहीं कर पाती, लेकिन जब कीन उससे इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों शादी करने हवाई जाते हैं और अपना हनीमून भी वहीं बनाते हैं। मार्गरेट हवाई में किसी का स्केच बना रही थी, और तभी वो ऐसा लविंग मेमोरी के रूप में पेंटिंग पर अपने नाम की बजाय कीन का नाम डाल देती है, जो कि कीन को बहुत पसंद आता है। हवाई से आने के बाद मार्गरेट
मार्गरेट सबसे पहले डियन से मिलती है। डियन को ये बात सुनकर हैरानी होती है कि मार्गरेट की शादी हो चुकी है, क्योंकि वो अभी अभी तो फ्रांचेस्को में आई थी। दरअसल डियन को कीन पर भरोसा नहीं था, पर मार्गरेट उसका शक दूर करने के लिए उसे बताती है कि कीन दिल का बहुत अच्छा आदमी है और इसीलिए उसने उससे शादी की है। दोनों फ्रेंड्स की मुलाकात के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रूवेन था, और वो एक रिच लेडी को कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स बेच रहा था। वो उस लेडी को पेंटिंग्स दिखा ही रहा था कि तभी कीन वहाँ हर बार की तरह आकर उसे अपनी और अपने वाइफ के स्केचेस दिखाने लगता है, जिन्हें रूवेन थोड़ा बहुत देखता है और फिर उन्हें खरीदने से मना कर देता है। इसके साथ ही वो कीन को वहाँ से जाने को कहता है। इस सब के बाद कीन और मार्गरेट रात में क्लब जाते हैं, जहाँ जाकर वो अपनी पेंटिंग्स को कैसे बेचा जाए ये बातें करते हैं। उस क्लब का मैनेजर भी वहाँ आया हुआ था, जिससे कीन अपनी पेंटिंग्स को उसके क्लब की दीवारों पर लगाने की परमिशन मांगता है, ताकि आते जाते लोग उन पेंटिंग्स को देखें और अच्छे दामों में खरीद लें। कीन के इस ऑफर के लिए वो मैनेजर उसे मना कर देता है, लेकिन जब कीन उससे उसकी क्लब की दीवारों को कुछ समय के लिए रेंट पर मांगता है, तो इस पर वो मैनेजर मान जाता है। अगले ही दिन कीन उसकी दीवारों पर अपने और मार्गरेट के स्केच लगा देता है, जिन्हें आते जाते कुछ लोग देखते तो हैं पर खरीदते नहीं। उन लोगों में से एक कपल उन पेंटिंग्स को देखते हैं और भीख के तौर पर कीन को कुछ रुपए दे जाते हैं, जिस वजह से कीन का मूड खराब हो जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। और जब वो ड्रिंक कर रहा था, तभी क्लब का मैनेजर वहां आके उससे कहता है कि उनकी पेंटिंग्स उसके क्लब की बहुत शोभा बढ़ा रही है। कीन का मूड पहले से ही बेकार था और वो मैनेजर की ऐसी बातें सुन उसे अनाप शनाप बोल देता है। दोनों की बहस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते मार्गरेट को अगले दिन पुलिस स्टेशन से कीन की बेल कराने पड़ती है। जेल से छूटते ही कीन वापस क्लब में जाता है अपनी पेंटिंग लेने के लिए, जहां उस क्लब का मैनेजर उसे बताता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से उन्हें काफी पब्लिसिटी मिली है और इसी वजह से बहुत सारे लोग आज उसकी पेंटिंग देखने यहां आए हैं। अब चूंकि लड़ाई करने से दोनों को ही फायदा हो रहा था, इसलिए वो दोनों ही लोगों के सामने जान पूछ कर झूठ माट की लड़ाई करने लगते हैं, जिससे दोनों को और पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन जब कीन क्लब में खड़ा हुआ था, तभी एक रिपोर्टर जिसका नाम नॉलेन था वहां आता है और कीन से उसका इंटरव्यू लेने की बात करने लगता है, जिसके लिए कीन मान भी जाता है। इंटरव्यू के दौरान कीन उसे अपनी पेरिस की कहानियां सुनाने ही वाला था कि तभी वो रिपोर्टर उसे रोककर उससे केवल बेगाज वाली लड़की के स्केच के बारे में बताने को कहता है। इंटरव्यू पूरा हो जाने के बाद कीन सीधे घर जाता है और मार्गरेट पर नोटों की बारिश कर देता है। वो उसे बताता है कि लोगों को उसकी बेगाज वाली पेंटिंग बहुत पसंद आई और अब वो सारी पेंटिंग्स कस्टमर्स द्वारा खरीद ली गई है, इसलिए उसे अब और पेंटिंग्स बनानी पड़ेंगी। कीन की बात सुन अगले ही दिन मार्गरेट बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने में लग जाती है, जिन पर वो हर बार की तरह अपने नाम की जगह कीन का नाम लिखती है। पेंटिंग्स बन जाने के बाद वो उन्हें क्लब में लगाने ले जाती है, जहां वो कीन को बहुत सारी लड़कियों के सामने डींगे मारता देखती है, जिसमें वो ये कह रहा था कि बेगाज की पेंटिंग उसने बनाई है, जो कि एक सफेद झूठ था। इसलिए मार्गरेट उसे कहती है कि वो उसकी पेंटिंग का क्रेडिट खुद क्यों ले रहा है। मार्गरेट को समझाने के लिए कीन उसे बहुत से बहाने सुनाने लगता है, जिनमें से एक बहाना ये था कि हमें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, नाम किसी का भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मार्गरेट कीन से बहस करने में लगी ही थी कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ जाता है। वो क्लब में आते ही दीवारों पर लगी मार्गरेट की पेंटिंग्स को देखने लगता है, जो कि उसे बहुत पसंद आ रही थी। जब उस रिच आदमी के असिस्टेंट उन पेंटिंग्स के आर्टिस्ट से मिलने के लिए पूछती है, तो कीन आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये पेंटिंग्स उसने बनाई है। कीन को ऐसी बातें करता देख मार्गरेट को बहुत दुख होता है। इसके अगले ही दिन कीन मार्गरेट को $500 का चेक दिखाता है, जो कि उसने मार्गरेट की पेंटिंग से कमाए थे। मार्गरेट उसे कहती है कि वो पैसे तो अच्छे कमाते हैं, लेकिन ईमानदारी का क्या। इस पर कीन उसे कहता है कि उसकी सारी पेंटिंग्स पर कीन लिखा हुआ है, इसलिए ईमानदारी से भी देखा जाए तो वो ही उन पेंटिंग्स का ऑनर है। मार्गरेट कीन से खफा तो थी, पर अब चूंकि वो उसका हस्बैंड था, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। मार्गरेट की बेगाइस बहुत फेमस हो रही थी, जिसके चलते कीन वहाँ के मेयर के साथ फोटो खिंचवा पाता है। बेगाइस के फेमस होने के दौरान कीन जिन जिन सेलिब्रिटीज से मिल रहा था, उन सभी खबरों को छापने का काम उसका रिपोर्टर नॉलेन करता था। काफी फेमस होने के बाद कीन के पास इतने पैसे आ गए थे कि अब वो खुद की एक आर्ट गैलरी खरीद सकता था, और वो ऐसा करता भी है। आर्ट गैलरी खरीदने के बाद कीन मार्गरेट और जेन के साथ पूरे शहर में अपनी गैलरी के पोस्टर लगा देता है, और जब वो एक पोस्टर लगा रहा था, तभी जेन उससे कहने लगती है कि ये पेंटिंग तो उसकी माँ ने बनाई है, जबकि इस पर उसका नाम क्यों लिखा हुआ है। जेन को ऐसी बातें करता देख मार्गरेट उसे अपने राज से छुपाने के लिए उससे झूठ बोलती है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पापा ने ही बनाई है। ये पहली बार था जब मार्गरेट को अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ा था, और इसी झूठ के चलते उसे अंदर से गिल्टी फील होने लगता है। मार्गरेट अपने दुख को बांटने के लिए चर्च के फादर के पास कन्फेस करने जाती है, जहां वो फादर को सारी बात बता देती है। फादर मार्गरेट की बात सुनने के बाद कहने लगते हैं कि अगर उसका पति गलत नहीं है तो उसे उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए, और फादर के इतना कहते ही ये कन्फेशन यहाँ खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम कीन की आर्ट गैलरी को देखते हैं, जो कि आज ही ओपन हुई थी। पहली ही ओपनिंग में वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, जिन्हें मार्गरेट ड्रिंक्स बांट रही थी, और कीन हर बार की तरह लड़कियों के सामने डींगे मार रहा था।
जब मार्गरेट वहाँ ड्रिंक्स बांट रही थी तभी वहाँ डीएन आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने अपनी पेंटिंग्स को आर्ट गैलरी में क्यों नहीं लगाया। अब मार्गरेट उसे कैसे बताती कि ये सारी पेंटिंग्स उसी की हैं। इसलिए वो उसे बहाना बनाते हुए कहती है कि आज आर्ट गैलरी की ओपनिंग की वजह से केवल कीन की पेंटिंग्स यहाँ लगाई गई हैं। इसके बाद जब एक आदमी गैलरी में पेंटिंग्स को देख रहा था तभी कीन उसके पास आकर अपनी पेंटिंग्स की तारीफ उससे करने लगता है, पर वो आदमी बातों ही बातों में कीन से ढेर सारे सवाल पूछ लेता है, जिनमें से कुछ सवाल ऐसे थे कि पेंटिंग पर कलर कौन सा है, सारी पेंटिंग बच्चों की ही क्यों है। अब चूंकि कीन को इन सवालों का कोई आइडिया ही नहीं था इसलिए वो एक क्यू पर एक झूठ बोलता है। आर्ट गैलरी से घर आते ही कीन उस आदमी के सवालों को याद कर बहुत नर्वस फील करता है, जिसके चलते वो टीवी में एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि बार बार कह रहा था कि वो कोई आर्टिस्ट नहीं है। कीन इन चीजों को हेलुसिनेट कर ही रहा था कि तभी जीन ऊपर के कमरे में जाने लगती है जहाँ मार्गरेट स्केच बना रही थी, और जीन ऊपर चली जाती तो उसके सामने हकीकत आ जाती। पर इससे पहले कि वो ऊपर पहुंचती वहाँ कीन आ जाता है और उसे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे देकर वो उसे बाहर भेज देता है। जीन के जाने के बाद कीन मार्गरेट से मिलता है और उसे बताता है कि कल उसे अपनी पेंटिंग की प्रमोशन के लिए टीवी पर इंटरव्यू देना है, जिसके लिए उसे इन पेंटिंग्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मार्गरेट उसे ताना मारती हुई कहती है कि वो इंटरव्यू के दौरान टीवी पर अपनी पेरिस वाली कहानी क्यों नहीं सुनाता, तो इस पर कीन उसे मना कर देता है और टीवी पर आते ही वो पेरिस की कहानी के बजाय एक दुख भरी कहानी सुनाता है, जिसे सुन इंटरव्यूअर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस इंटरव्यू की वजह से पूरे शहर के लोग उसकी पेंटिंग खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं और उस क्राउड में से ज्यादातर लोग सस्ते पोस्टर खरीद रहे थे, पर उन चीप पोस्टर्स की भी बिकने की संख्या मिलियंस में थी। अगले सीन में हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही थी। बिग आइस पेंटिंग के फ्रॉड के चलते मार्गरेट को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और वो मॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखों को बड़े आकार में देख पाती है। मार्गरेट को अंदर से ही एक चिंता खा रही थी, जिसके चलते वो खुद का एक पोर्ट्रेट बनाती है। जब वो खुद का पोर्ट्रेट पूरा कर रही थी तभी वहाँ कीन आ जाता है। कीन के आने के बाद मार्गरेट उससे पूछती है कि क्या वो अपने पोर्ट्रेट पर इस बार खुद के सिग्नेचर कर सकती है, तो इस पर कीन उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक गलती की वजह से उसका पूरा एम्पायर टूट जाए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो नहीं चाहता था कि उसे सारे पैसे वापस लौटाने पड़े, पर मार्गरेट के इंसिस्ट करने पर वो उसे अपने पर्सनल रिपोर्टर नॉलिन से मिलवाता है। नॉलिन ने पहली बार देखा था कि मार्गरेट भी पेंट कर सकती है, इसलिए वो उससे इस स्केच के इंस्पिरेशन पूछने लगता है, जिस पर मार्गरेट उसे अपनी इंस्पिरेशन बताने लगती है। पर कीन उसकी बातों को मजाक में बदल देता है। वो अपने रिपोर्टर से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी थी जो कि पहली शादी से हुई थी। मार्गरेट को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो कीन को अकेले में ले जाकर इस सब के बारे में उसे एक्सप्लेन करने को कहती है, पर कीन उसे बहाना बनाती हुई कह देता है कि उसने इसके बारे में उसे पहले बताया तो था। ये पहली बार था जब मार्गरेट को पता चला था कि कीन भी बातें छुपाता है। बहुत समय बीत जाता है और कीन के बेगाइस के चर्चे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। इतना ज्यादा फेमस होने की वजह से वो दोनों कैलिफोर्निया में एक बंगला खरीद लेते हैं। और एक वक्त की बात है जब मार्गरेट अपने रूम में पेंट कर रही थी तभी वो डोरबेल की आवाज सुनती है। जब वो चेक करने जाती है तो वो पाती है कि डीएन उससे मिलने आई थी। डीएन मार्गरेट का घर देखकर बहुत हैरान हो जाती है और क्यूरियोसिटी के चलते वो बंगले की हर चीज के बारे में मार्गरेट से पूछने लगती है, और पूछते ही पूछते वो एक रूम को चेक करने चली जाती है। मार्गरेट उसे वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि वो उसका वर्क प्लेस था जहाँ वो बेगाइस की पेंटिंग्स बनाती थी। पर इससे पहले कि मार्गरेट उसे वहाँ जाने से रोकती वो उस रूम में पहुँच जाती है। डीएन के रूम में पहुँचते ही मार्गरेट कीन के सीक्रेट को कवर करने के लिए उससे कहती है कि यहाँ कीन भी अक्सर पेंटिंग्स बनाता है। वो डीएन को भरोसा दिला ही रही थी कि तभी वहाँ कीन आ जाता है। कीन डीएन को देखते ही पेंट करने की एक्टिंग करने लगता है। दरअसल कीन की डीएन से बनती नहीं थी, जिसके चलते वो उसे अपने घर से निकाल देता है। मार्गरेट को कीन का इस तरीके का व्यवहार देखकर बहुत ठेस पहुँचती है। अगले दिन जब मार्गरेट जेन के साथ खेल रही थी तभी वो जेन को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसे और पेंटिंग्स बनाना है। इस सीन में हम जेन को देख सकते हैं जो कि अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि बड़ी हो गई है। खैर, अब इस सब के बाद जब मार्गरेट अपने वर्कशॉप में पेंट करने जाती है तो वो कमरे के कोने में एक बॉक्स को देखती है जो कि कीन का था। बॉक्स के अंदर मार्गरेट को कीन की पेरिस वाली पेंटिंग्स देखने को मिलती है, पर उन पेंटिंग्स पर कीन के सिग्नेचर नहीं थे बल्कि किसी और आर्टिस्ट के सिग्नेचर थे। इन पेंटिंग्स को देखकर मार्गरेट को कीन पर शक होता है, इसलिए वो उसकी घर में लगी पेंटिंग्स को भी चेक करने लगती है और हो ना हो पर उन पेंटिंग्स पर भी किसी और के सिग्नेचर निकलते हैं। मार्गरेट जब उस दूसरे पेंटर का जिक्र कीन से करती है तो कुछ समय के लिए उसका मुंह बंद हो जाता है, पर हर बार की तरह वो अपने झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलता है। वो मार्गरेट को बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने उसे पार्क में पेंट करती हुई देखा तो था, पर मार्गरेट की तरह हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि पार्क में कीन ने सिर्फ सीन को मेमोराइज किया था, ना कि कोई चित्र बनाया था, और इन बातों से साफ था कि कीन पूरे टाइम से झूठ बोल रहा था। कीन भी अब समझ गया था कि अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट के बाद मार्गरेट अपने बेडरूम में सोने चली जाती है।
है। और जब कीन भी उसके साथ सोने को हो रहा था तभी वो उसे मना कर कहती है कि इस बंगले में 3 एक्स्ट्रा रूम है और वो उनमें से किसी भी एक में जाकर सो सकता है। अगले सीन में हम कीन को अपनी आर्ट गैलरी में देखते हैं जो कि वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ते समय वो एक आर्टिकल देखता है न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर नाम से। दरअसल न्यूयॉर्क में एक अर्थ का स्टैचू बनाया जा रहा था जो कि 24 यूनाइटेड स्टेट्स के राज्य में शांति का प्रतीक कहलाएगा। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद कीन मार्गरेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो 100 अलग अलग जाति के बच्चों के चित्र बनाए, वो भी एक पेंटिंग में, जिसे वो वर्ल्ड्स फेयर के एग्जीबिशन में लगवाएगा और इस पेंटिंग से वो और भी फेमस हो जाएंगे। कीन की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मार्गरेट उस पेंटिंग को बनाने लग जाती है। उसी दिन की रात को हम जेन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को ढूंढ रही थी क्योंकि मार्गरेट ने आज का डिनर नहीं बनाया था। मार्गरेट को ढूंढते हुए वो किसी तरह उसके वर्क प्लेस में घुस जाती है जहाँ मार्गरेट पेंटिंग बनाते बनाते सो गई थी। मार्गरेट की जैसे ही आँख खुलती है तो वो जेन को देख कहने लगती है कि ये कीन का स्टूडियो है इसलिए तुम्हें बाहर। और इतने में जेन उसकी बात काटते हुए कहती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इस घर में चल रही चीजों को समझ ना पाऊँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है पर मार्गरेट उसे पीछे से आकर जोर से गले लगा लेती है। वर्ल्ड्स फेयर एग्जीबिशन में कीन की 100 बिग आइज वाली फोटो लग गई थी जिसके चलते वो वर्ल्ड्स फेयर की ओपनिंग पार्टी में जाता है। पार्टी में पहुंचते ही कीन फ्यूचर में और ज्यादा फेमस होने की कल्पना कर बहुत खुश हो रहा था लेकिन मार्गरेट अभी भी कीन को लेकर गुस्सा थी। कीन मार्गरेट को मनाने की बजाय उसे इग्नोर कर मिस टेसडेल को धन्यवाद करने के लिए चला जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। मिस टेसडेल कीन से बात करने की बजाय उल्टा उसे इग्नोर कर वहाँ से दूर चली जाती है और कीन को समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कंफ्यूजन में ही था कि इतने में एक आदमी उसके पास आकर उसे एक न्यूज दिखाने ले जाता है। न्यूज में एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर ने कीन की 100 बिग आइज वाली पिक्चर के खिलाफ कुछ गलत बातें लिखी थी। अब चूंकि वो रिपोर्टर इस पार्टी में आया था इसलिए कीन उसके पास जाकर इस न्यूज को छापने का कारण पूछने लगता है। वो रिपोर्टर कीन को बताता है कि वो एक ही पेंटिंग को बार बार अलग कंडीशन में छापता है और इस तरीके से उसका काम मेहनत वाला नहीं बल्कि छपाई वाला हुआ। रिपोर्टर से ऐसी बातें सुनते ही कीन उस पर फॉक्स से हमला कर देता है पर वो रिपोर्टर उस अटैक को आसानी से रोक देता है। इस हादसे के बाद कीन की पेंटिंग को एग्जीबिशन से उतार दिया जाता है और घर आते ही कीन अपनी नाकामयाबी पर बहुत गुस्सा होने लगता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसके चलते वो पागलपंथी की हरकतें करने लगता है। वो मार्गरेट और जीन पर माचिस से तीलियां जलाकर फेंकने लगता है। कीन को ऐसी हरकतें करता देख मार्गरेट अपनी बेटी को बचाने के लिए वर्क प्लेस में छुप जाती है और वो कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लेती है। कीन वहाँ आता है पर चूंकि दरवाजे का लॉक लगा हुआ था इसलिए वो की वाले हॉल से माचिस की तीलियां अंदर डालने लगता है। दरवाजे से गिरी हुई तीलियों को बुझाने के चक्कर में मार्गरेट से वहाँ ऑयल गिर जाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। इस सबसे बचने के लिए मार्गरेट अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जब कार में बैठी जीन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं तो मार्गरेट जवाब देती है कि वो हवाई जा रहे थे जहाँ जाकर वो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। समय बीतता है और हम एक साल के बाद मार्गरेट को हवाई में देखते हैं जो कि जूस पीते हुए जेन को अपने नए फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए देख रही थी। वो जेन को देख ही रही थी कि तभी उसे कीन का फोन आ जाता है। कीन उसे फोन पर कहता है कि आज उसे मेल में कुछ पेपर्स देखने को मिले। इस पर मार्गरेट उसे बताती है कि मेल में जो पेपर्स हैं वो डिवोर्स के हैं और उन दोनों की भलाई के लिए बेहतर होगा कि कीन उन पेपर्स पर साइन कर दे। कीन उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मान तो जाता है पर उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वो पेपर्स पर साइन तभी करेगा जब मार्गरेट उसके लिए बेगाज वाली 100 पेंटिंग्स और बनाएगी और साथ ही पुरानी फोटोज की अथॉरिटीज उसे देगी। कीन की इतनी डिमांड होने के बाद भी वो उसे हाँ बोल देती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाना था। अगले दिन मार्गरेट 100 पेंटिंग्स भेजने की तैयारी में लग जाती है। वो जेन को भी पेंटिंग्स भेजने के लिए साथ में चलने के लिए इनवाइट करती है पर जेन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जाना था। अगले दिन हम कीन को देखते हैं जो कि कैलिफोर्निया में खूब मस्ती कर रहा था। मार्गरेट का कोरियर उस तक पहुंचते ही वो खुशी खुशी उस कोरियर को खोलने लगता है पर उस कोरियर की पेंटिंग्स पर कीन के साथ साथ मार्गरेट के भी सिग्नेचर्स थे। इसका मतलब मार्गरेट ने कीन की शर्त मानने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं मार्गरेट अगले दिन रेडियो स्टेशन पर लाइव बता देती है कि बिग आइज को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो ही है और जबकि कीन 10 सालों से झूठ बोल रहा है कि वो उसका हकदार है। मार्गरेट के रेडियो स्टेशन की बातें न्यूज़पेपर के जरिए पूरे देश में फैल जाती हैं जिसे कीन भी पढ़ता है। कीन जैसे ही इस न्यूज को पढ़ता है तो वो तुरंत अपने पर्सनल न्यूज रिपोर्टर नॉलेन को कॉन्टेक्ट करता है और उसी की मदद से वो मार्गरेट के खिलाफ न्यूज छपवा देता है जिसमें लिखा था कि मार्गरेट कोई पेंटर नहीं थी बल्कि उसने ही उसे पेंट करना सिखाया था। ये खबर पढ़ने के बाद मार्गरेट कीन पर केस फाइल कर देती है जिसके अगले सीन में हम मार्गरेट और कीन को कोर्ट में देखते हैं। ट्रायल के शुरू होने के कुछ समय बाद ही कीन के लॉयर्स उसे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि कीन किस झमेले में फंसा है। कोई लॉयर ना होने की वजह से जज कीन से पूछते हैं कि अगर उसके पास कोई लॉयर नहीं है तो वो अपने केस को खुद लड़ सकता है या फिर सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा सकता है। ये सुनते ही कीन केस खुद लड़ने के लिए मान जाता है। वो सबसे पहले तो मार्गरेट को कटघरे में बुलाता है
जहाँ वो उससे पूछता है कि वो पेंटिंग को इतने सालों से क्यों बना रही थी अगर उसे इससे प्रॉब्लम थी तो। इस सवाल के जवाब में मार्गरेट कोर्ट को बताती है कि वो पेंटिंग्स बनाना नहीं चाहती थी बल्कि उसे फोर्स किया गया था, वो भी उसके खुद के पति द्वारा। जब कीन ये सब सुनता है तो इसे मानने से मना कर देता है, जिस पर मार्गरेट और उसमें बहस हो जाती है। इन दोनों की बहस को देख जज उन्हें रोक देता है। इसके बाद कीन कटघरे में खुद को बुलाता है जहाँ वो खुद से सवाल करने के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह खुद से सवाल पूछता है और खुद ही उन सवालों के जवाब देता है। जज उसकी ये बेवकूफी देख उसे एक जगह बैठकर सब कुछ ठीक से बताने को कहता है। जज की बात सुनने के बाद कीन अपनी गवाही देना शुरू करता है और गवाही में वो कुछ खास नहीं बताता बल्कि सबको अपनी बेफिजूल की कहानियां सुनाता है। कीन की कहानियां सुनकर जज अपना सिर पकड़ लेता है और कोर्ट के सामने सच को लाने के लिए वो दोनों को बड़ी अदालत के सामने पेंट करने को कहता है। दोनों को ये स्केच बनाने के लिए कलर और ब्रश दिए जाते हैं। टूल्स मिलते ही मार्गरेट स्केच बनाने लगती है जबकि कीन चुपचाप बैठा रहता है। जज कीन को यूं ही चुपचाप बैठे देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो स्केच क्यों नहीं बना रहा, जिस पर कीन कहता है कि वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब चूंकि कीन से चित्र नहीं बन रहा था इसलिए वो हाथ में दर्द का बहाना करने लगता है, पर जज इतने बेवकूफ भी नहीं थे कि वो उसके इस नाटक को समझ ना पाए। काफी समय बीत जाता है और मार्गरेट अपने स्केच को पूरा कर लेती है पर कीन अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। स्केच बनाने के बाद ये केस मार्गरेट जीत जाती है जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि बिग आइस की ऑनर और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।